पहले हम बनाएंगे आज रसेदार बटेर. नाउ बटेर इज़ अ स्मॉल क्वेल, ठीक है. अब ये मुझे बहुत मुश्किल से अभी मिली थी. वैसे ये विंटर्स में हर जगह मिल जाती है, आजकल नहीं, दो दिन पहले थी और बस जब मैं आज सुबह लेने गई तो आज मुझे कहीं नहीं मिली, दो मुझे मिले हैं. तो मैं ये बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, इसी तरह आप भी ट्राई करिएगा. सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं, रसेदार यानी रस वाला यानी ग्रेवी वाला. सो तेल लेंगे हम, घी ले लें, तेल ले लें, तेल मक्खन ले लें, वट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो अज्जा बताती चलूँ. ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है. ये है मेरे पास जो सीड्स होते हैं, कोरिएंडर सीड्स, धनिया साबुत, उसको कूट लिया है. ज़ीरा है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, चिकन का क्यूब मैंने लिया है आधा या क्वार्टर जितना हम लेंगे, जस्ट टू गिव अ नाइस टेस्ट, ठीक है. और इसमें गरम मसाला पाउडर है और नमक है. सो ये सारी चीज़ें जाएंगी हमारे इस ग्रेवी में. इसी तरह आप चिकन भी बना सकते हैं. सो तेल जो गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें प्याज शामिल कर देनी है और आप इसको अच्छी तरह भून लीजिए. आज बेकिंग की कोई भी चीज़ नहीं है, हमने डिज़र्ट रखा है. सो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक देते रहिएगा. हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया. 4 से 5 में लाइव हूँ हफ्ता इतवार, सैटरडे संडे, अब मसाला टीवी पे. ठीक है, प्याज को अच्छी तरह आपने सुनहरा करना है. आप इसको पीस भी सकते हैं इन योर अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को ग्रेवी स्मूथ अच्छी लगती है. कुछ लोगों को ग्रेवी में टमाटर नज़र आए, प्याज नज़र आए, उस तरह पसंद है. अगर आपको स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो ये बनाने के बाद ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर दीजिएगा, ठीक है. तो अच्छी सी प्यूरे हो जाएगी, आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा सा रंग आए. तो इसको प्याज को थोड़ा सा गोल्डन होने दीजिएगा. प्याज में दूसरी चीज़ डालने की जल्दी नहीं करिएगा. सिमिलरली अदरक लहसुन जब डालते हैं तो उसको भी भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक कच्चापन रहता है. ये मसाले ज़्यादा हैं तो आप जितना ज़रूरत हो उस तरह डालिएगा. इफ़ यू आर यूजिंग 1 किलो बटेर तो फिर आप भी उसी तरह पूरा रेसिपी का एग्जैक्टली फॉलो करिएगा. ओके, आपने प्याज को हल्का सा भूनना है, ठीक है. सो जस्ट गिव इट सम टाइम. बहुत सारे लोग बहुत सारा तेल इस्तेमाल करते हैं. मैं कम तेल में खाना बनाती हूँ. नॉन स्टिक बर्तनों में आपको ज़्यादा तेल की पहले तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. सो डोंट यूज़ टू मच ऑयल. और अगर आपको वो दिल में है कि नहीं वो अच्छी तरह भुनेगा नहीं, तो आप बहुत सारा तेल यूज़ कर लीजिए, लेकिन फिर उसको छान लीजिएगा, फिर दूसरी चीज़ डालिएगा. बिकॉज फिर बहुत घी खाना भी अच्छा नहीं है, घी या तेल. यू कैन सी कलर इज़ चेंजिंग, थोड़ा सॉफ्टन भी हो रहा है, मगर थोड़ा सा मैं और इसको कैरमलाइज करूँगी. ओके ओके, नाउ अच्छा सा ब्राउन हुआ है तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है. फ्रेशली पीसिएगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा. अगर आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो एक एक हफ्ते का पीस के रख लीजिए, नॉट दो दो तीन तीन महीने का, वो अच्छा नहीं रहता है, इसमें से खुशबू ख़त्म हो जाती है. अदरक लहसुन, और फिर मैं इसमें तेज़पत्ता डालूँगी और फिर मैं टमाटर डालूँगी. तेज़पत्ता यानी बे लीफ, एंड देन ऐड द टमाटर. फिर आप इसमें दही शामिल करिए और मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, जस्ट लेट दिस कुक, ठीक है. दही, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़पत्ता और प्याज. आँच थोड़ी सी कम कर देते हैं. अब हम इसमें मसाले डालेंगे. सो वील पुट इन सॉल्ट. फिर हम बहुत थोड़ा सा से क्वार्टर जितना क्यूब डालेंगे चिकन स्टॉक क्यूब, ठीक है. फिर लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ज़ीरा साबुत है, आप पिसा हुआ भुना हुआ भी डाल सकते हैं. इसके साथ साथ आप इसमें हल्दी शामिल करेंगे और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है यानी कोरिएंडर सीड्स, ठीक है जी. ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है और थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाला जले ना. एंड लेट दिस ग्रेवी कुक, मसाले अच्छी तरह पकें. नाउ हम इसमें बटेर रख देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे, ठीक है. इसको अभी मैं